से टेल स्पीक और टॉक। इन चारों वर्ड्स को लेकर अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके फर्क को नहीं समझ पाते हैं और अक्सर कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि कैसे जाने से टेल स्पीक और टॉक। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि से और टेल में क्या फर्क है, जबकि दोनों का मीनिंग होता है कहना या बताना। से और टेल में फर्क सिर्फ रिसीवर का है, यानी ऑब्जेक्ट का है। अगर आपके सेंटेंस में लिखा है कहना या बताना, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी किससे बताया गया, ये बात अंडरस्टूड है या छिपा हुआ है, तो यहाँ पर आप से का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो मैं कहता हूँ धरती गोल है, तो इस सेंटेंस में मैंने ये नहीं बताया कि मैं किससे कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ या मैं उससे कहता हूँ या मैं इनसे कहता हूँ या उनसे कहता हूँ। यहाँ पर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है या ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो जब सूरत ऐसी हो कि वर्ड कहने के बाद या बताने के बाद जो रिसीवर है यानी जो ऑब्जेक्ट है वह छिपा हुआ है या अंडरस्टूड है, तो वहाँ पर आप से का इस्तेमाल करते हैं। और से का पास्ट फॉर्म होता है सेड। जैसे मैं कहता हूँ धरती गोल है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई से दी अर्थ इज राउंड। अगर आप इसे पास्ट में बोलना चाहें तो ऐसे बोलेंगे मैंने कहा धरती गोल है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सेड दी अर्थ इज राउंड, यानी मैंने कहा धरती गोल है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहाँ वर्ड से या सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि अगर आप वर्ड कहने या बताने के लिए से का इस्तेमाल करेंगे तो इसके बाद कोई रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता, यहाँ पर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ होता है या अंडरस्टूड होता है। लेकिन वही बात अगर हम टेल की करें तो बताने या कहने के लिए आप वर्ड टेल का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में एक रिसीवर हो यानी कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ या मत करो, मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ आए, मैंने उससे कहा कि अपना काम पूरा करो, मैं आपसे कहता हूँ झूठ मत बोलो, मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अपना काम पूरा कर लें, मैंने अमन से कहा कि वह पैसा बचाए। तो फ्रेंड्स आपने यह सीखा कि मेरे इस सेंटेंस में वर्ड कहने या बताने के बाद एक रिसीवर आ रहा है या एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। कहने या बताने के लिए कहेंगे टेल और पास्ट फॉर्म में आप कहेंगे टोल्ड। जैसे मैंने उसको बताया कि वह गलत थी, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टोल्ड हिम दैट सी वॉज रॉन्ग, यानी मैंने उसको बताया कि वह गलत थी, मैंने उसको बताया कि मशीन खराब था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टोल्ड हिम दैट द मशीन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी मैंने उसको बताया कि मशीन खराब था। मैं आपसे कहता हूँ आई टेल यू, मैं उससे कहता हूँ आई टेल हिम, मैं उन लोगों से कहता हूँ आई टेल देम। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि यहाँ मेरे सेंटेंस में रिसीवर है यानी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने कहने या बताने के लिए बोला टेल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया। अगर हम बात स्पीक और टॉक की करें तो स्पीक का मतलब होता है बोलना, जबकि टॉक का मतलब होता है बातचीत करना। आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश। वह हिंदी बोलती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी स्पीक्स हिंदी, यानी वह हिंदी बोलती है। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, तुम बोलते हो यू स्पीक, वे बोलते हैं दे स्पीक। तो जब बात बोलने की होगी तो आप कहेंगे स्पीक, लेकिन अगर आपको कहना हो बात करना, जैसे मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम टॉकिंग टू हिम। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि स्पीक का मतलब बोलना, जबकि टॉक का मतलब बातचीत करना। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बता दूं, जब स्पीक के बाद टू आता है तो स्पीक टू का मतलब होता है बात करना, लेकिन यह वर्ड बहुत फॉर्मल है, इसे लोग रेयरली इस्तेमाल करते हैं। वही बात अगर हम टॉक की करें तो टॉक एक इनफॉर्मल वर्ड है जो आमतौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इन चारों वर्ड्स को शानदार तरीके से सीखा कि से, टेल, स्पीक और टॉक में क्या फर्क है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।